हेलो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री देन ओ ए इज इक्वल टू सो लेट सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स ऑन दर्कल एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हंड्रेड डिग्री तो हमें ओ ए फाइंड आउट करना है किसके फॉर्म में ए बी के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑप्शन से हमें दिख रहा है कि जो ओ ए है उसे हमें किसके फॉर्म में फाइंड करना है ए बी के फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो यहां पे लिख देते हैं टू फाइंड ओ ए सो लेट सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो यदि हम सॉल्यूशन देखें इसका तो सबसे पहले फिगर में चलते हैं और फिगर में यदि हम देखें कि यहां पर हम बात करते हैं ट्राइंगल्स में है ट्राइंगल ए बी और सॉरी ए ओ बी और ए सी में तो देख पा रहे हैं ए बी इज इक्वल टू क्या है ए सी टेंजेंट है और OA ए इक्वल टू ओ कॉमन साइड और OB बी इक्वल टू ओ है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है तो इससे क्या होगा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और उससे हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा मतलब वो दो एंगल्स कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम इस बात को लिखेंगे कि इन ट्राइंगल सॉरी इन फिगर कि ए सॉरी ए एंड ए आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल ए सो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा ए सी के इक्वल होगा तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल ए सी तो उसमें आप क्या देख पा रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी यहां पर रखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ना एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल ए ऑन सर्कल, ओके और हम देख पा रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है ओ ए दोनों ट्राइंगल की क्या है कॉमन साइड है अच्छा और हम देख पा रहे हैं कि जो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी OC क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है तो यहां पर लिखेंगे ओ, यहां पर एक्चुअली इंप्लाइज डेट का साइन नहीं आएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ओ बी इज इक्वल टू क्या ओ सी रेडाई ऑफ सेम सर्कल ओके तो अब यदि यह हम यहां पर देखें कि ट्राइंग दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया कि करस्पोंडिंग साइड से इक्वल दिखा दिया हमने तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ना तो यहाँ पर लिख दिया हमने बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी तो उससे क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रेंट तो ट्राइंगल ए ओ सी तो उससे क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी यस uh, yes, ये कैसे हो जाएगा बाय सी पी सी टी है ना बाय सी पी सी टी से तो बट हमें दे रखा है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री तो इम्प्लाइज इसे लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू कितना वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री जबकि दोनों ही इक्वल है तो हम कहेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री तो इम्प्लाइज देखिए ट्वाइस टू इंटू एंगल ओ ए बी इजिकल टू कितना जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री तो इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए बी इजिकल टू कितना जाएगा सिक्सटी डिग्री है ना तो यदि हम यहाँ पर देखें ट्राइंगल ओ ए बी में तो ये जो एंगल है वो सिक्सटी डिग्री हो गया है, है ना तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया और चूंकि हमें क्या चाहिए था आ, ओ ए की लेंथ जो ए बी के फॉर्म में चाहिए तो इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेसो का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपकी ये नाइन्टी डिग्री होने से राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेसो का यूज इजीली कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी बनने वाला एंगल कितना है वहाँ पे सिक्सटी डिग्री तो एक्चुअली हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसो लेना होगा वो हमें डायग्राम से ही समझ आएगा तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये सिक्सटी डिग्री है और ये एंगल कंसिडर करना है हमें तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है एंड यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा ओ और बेस क्या हो जाएगा ए तो हमें हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन बताना है ना तो उसके लिए कॉस का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे तो इन ट्राइंगल ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बेस क्या था वहाँ पे ए बी और हाईप्रोट कितना था ओ ए तो इम्प्लाइज दैट देखिए ये कितना होता है वन बाई टू फ्रॉम द टनोमेटिक टेबल तो ए बी अपॉन में ओ ए हमने यहाँ रिफरेंस दे दिया कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू वन बाई टू तो इम्प्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू टू इंटू ए बी सो हमने यहाँ फाइनल रिजल्ट लिखना है सो so, ओ एज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन थैंक यू